शौर्य की अप्रतिम गाथाओं के साथ ही हमारी परंपरा मधुरता और मिठास की भी है। इसलिए भारत अपने त्योहारों को प्रेम के साथ मनाता है, पूरी दुनिया को उसमें शामिल करके मनाता है। आज कारगिल की इस विजय भूमि से, आप सब जवानों के बीच से मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व को दीपावली की हार्दिक बधाई देता हूं। पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां कारगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। आज के वैश्विक परिदृश्य में प्रकाश का ये पर्व पूरे विश्व के लिए शांति का पथ प्रदर्शन करे, ये भारत की कामना है। साथियों, दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दीवाली मनी थी, ऐसी दीवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरा सौभाग्य रहा, मैं उस जीत का भी साक्षी बना था और मैंने उस युद्ध को भी करीब से देखा था। मैं हमारे अधिकारियों का आभारी हूं, यहां आते ही मुझे 23 साल पुरानी मेरी वो तस्वीरें दिखाई जो पल मैं आपके बीच में बिताता था। मेरे लिए वो पल बड़ी भावुक थी जब मैं वो फोटो देख रहा था, और मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे यादों के अंदर वीर जवानों के बीच में बीते हुए मेरे पल को फिर से आपने मुझे याद करा दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। जब हमारे जवान कारगिल युद्ध में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे, तब मुझे उनके बीच आने का सौभाग्य मिला था। देश के एक सामान्य नागरिक के रूप में मेरा कर्तव्य पथ मुझे रणभूमि तक ले आया था। देश ने अपने सैनिकों की सेवा के लिए जो भी छोटी मोटी राहत सामग्री भेजी थी, हम उसे लेकर यहां पहुंचे थे। हम तो सिर्फ उससे पुण्य कमा रहे थे, क्योंकि देवभक्ति तो करते हैं, वो पल देशभक्ति में रंगे रंग से रंगे हुए आपका पूजन का मेरे लिए वो पल था। उस समय की कितनी ही यादें हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसा लगता था चारों दिशाओं में विजय का जयघोष है, जयघोष है, जयघोष है। हर मन का आह्वान था मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। साथियों, हम जिस राष्ट्र की आराधना करते हैं, हमारा वो भारत केवल एक भौगोलिक भूखंड मात्र नहीं है। हमारा भारत एक जीवंत विभूति है, एक चिरंतर चेतना है, एक अमर अस्तित्व है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने शाश्वत संस्कृति का चित्र उभर आता है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने वीरता की विरासत उठ खड़ी होती है। जब हम भारत कहते हैं तो सामने पराक्रम की परिपाटी प्रखर हो उठती है।
एक ऐसी अजस्त्र धारा है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान से वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की यह सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है। राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके सैनिकों के शीश हिमालय के शीर्ष शिखरों की तरह उत्तंग होते हैं। एक राष्ट्र तब अमर होता है जब उसके संतानों के बारे में कहा जा सके कि चलंतु गिरियः कामं युगांत पवनाहतः, कृच्छेरपि न चलत्येव धीराणाम निश्चलं मनः। यानी प्रलय काल के तूफानों से विशाल पर्वत भले ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन आप जैसे धीरों और वीरों के मन अडिग, अटल और निश्चल होते हैं। इसलिए आपकी भुजाओं का सामर्थ्य हिमालय की दुरूह ऊंचाइयों को नापता है। आपका मनस्वी मन मरुस्थलों की मुश्किलों का सफलता से मुकाबला करता है। आपके असीम शौर्य के आगे अनंत आकाश और असीमित समंदर घुटने टेकते हैं। कारगिल का कुरुक्षेत्र भारतीय सेना के इस पराक्रम का बुलंद गवाह बन चुका है। ये द्रास, ये बटा लेक और ये टाइगर हिल ये गवाह हैं कि पहाड़ों की ऊंचाइयों पर बैठा दुश्मन भी भारतीय सेना के गगनचुंबी साहस और शौर्य के आगे कैसे बोना बन जाता है। जिस देश के सैनिकों का शौर्य इतना अनंत हो, उस राष्ट्र का अस्तित्व अमर और अटल ही होता है। साथियों, आप सभी सीमा के प्रहरी देश की रक्षा के मजबूत स्तंभ है। आप हैं तभी देश के भीतर देशवासी चैन से रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। लेकिन ये हर भारतवासी के लिए खुशी की बात है कि देश के सुरक्षा कवच को संपूर्णता देने के लिए हर भारतवासी पूरी शक्ति लगा रहा है। देश सुरक्षित तभी होता है जब बॉर्डर सुरक्षित हो, अर्थव्यवस्था सशक्त हो और समाज आत्मविश्वास से भरा हो। आप भी बॉर्डर पर आज देश की ताकत की खबरें सुनते हैं तो आपका हौसला दोगुना हो जाता होगा। जब देश के लोग स्वच्छता के मिशन से जुड़ते हैं, गरीब से गरीब को भी अपना पक्का घर, पीने का पानी, बिजली, गैस जैसी सुविधाएं रिकॉर्ड समय पर मिलती हैं, तब हर जवान को भी गर्व होता है। दूर कहीं उसके घर में, उसके गांव में, उसके शहर में सुविधाएं पहुंचती हैं
तो सीमा पर उसका सीना भी तन जाता है, उसे अच्छा लगता है। जब वो देखता है कि कनेक्टिविटी अच्छी हो रही है तो उसका घर पर बात करना भी आसान होता है और छुट्टी पर घर पहुंचना भी आसान बन जाता है। साथियों, मुझे पता है जब 7-8 साल के भीतर ही देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5 नंबर पर पहुंची है तो आपका भी माथा गर्व से ऊंचा होता है। जब एक तरफ आप जैसे युवा सीमा को संभालते हैं और दूसरी तरफ आपके ही युवा साथी 80,000 से अधिक स्टार्टअप बना देते हैं, नए नए इनोवेशन करते हैं, तो आपकी खुशी भी बढ़ जाती है। 2 दिन पहले ही इसरो ने ब्रॉडबैंड इंटरनेट का विस्तार करने वाले 36 सैटेलाइट 3 डजन एक साथ लॉन्च कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अभी 2 दिन पहले अंतरिक्ष में भारत जब अपना सिक्का जमाता है तो कौन मेरा बीज जमाना होगा जिसकी छाती चौड़ी न होती हो। कुछ महीने पहले जब यूक्रेन में लड़ाई छिड़ी तो हमारा प्यारा तिरंगा कैसे वहां फंसे भारतीयों का सुरक्षा कवच बना, ये हम सभी ने देखा। दुनिया में आज जिस प्रकार भारत का मान बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है, विश्व पटल पर बढ़ती भारत की भूमिका आज सबके सामने है। साथियों, आज ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि भारत अपने बाहरी और भीतरी दोनों दुश्मनों के विरुद्ध सफलता के साथ मोर्चा ले रहा है। आप सीमा पर कवच बनकर खड़े हैं तो देश के भीतर भी देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। आतंकवाद की, नक्सलवाद की, अतिवाद की जो भी जड़ें बीते दशकों में पनपी थी उसको उखाड़ने का सफल प्रयास देश निरंतर कर रहा है। कभी नक्सलवाद ने देश के बहुत बड़े हिस्सों को चपेट में ले लिया था, लेकिन आज वो दायरा लगातार सिमट रहा है। आज देश भ्रष्टाचार के खिलाफ भी निर्णायक युद्ध लड़ रहा है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कितना ही ताकतवर क्यों न हो, अब वो बच नहीं सकता और बचेगा भी नहीं। कुशासन ने लंबे समय तक देश के सामर्थ्य को सीमित रखा, हमारे विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ हम उन सभी पुरानी कमियों को तेजी से दूर कर रहे हैं। राष्ट्रहित में आज बड़े से बड़े निर्णय तेजी से किए जाते हैं, तेजी से लागू किए जाते हैं। साथियों, तेजी से बदलते हुए समय में, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भविष्य के युद्धों का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। नए दौर से नई चुनौतियां, नए तौर तरीकों और राष्ट्र रक्षा के बदलती जरूरतों के हिसाब से आज हम देश की सैन्य ताकत को तैयार कर रहे हैं। सेना में बड़े रिफॉर्म्स, बड़े सुधार की जो जरूरत दशकों से महसूस की जा रही है,
वो आज जमीन पर उतर रही है। हमारी सेनाओं में बेहतर तालमेल हो, हम हर चुनौती के विरुद्ध तेजी से त्वरित कार्रवाई कर सके, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं।